आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 476वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में बहुत जल्द रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो रहा है, CRS हो जाएगा। और जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी के हिसाब से हम आपको बता दें कि ये वर्तमान में एक नंबर प्लेटफॉर्म जिसमें अभी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, ये थ्रू लाइन है। और उसके उस तरफ वाला जो दो नंबर प्लेटफॉर्म की लाइन है, रेलवे के सूत्रों ने ये बताया कि अभी चौरई से सिवनी के बीच में और सिवनी से रैक पॉइंट तक जो दो नंबर प्लेटफॉर्म का जो सिरा वाला है उसको CRS उस ट्रैक का किया जाएगा, बाकी के ट्रैक्स का CRS बाद में किया जाएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिवनी से कटंगी वाले रास्ते का। सिवनी से कटंगी के लिए स्वीकृत हो चुकी है रेल लाइन और उसके बहुत सारी जानकारियां रेलवे के चीफ इंजीनियर HP त्रिपाठी के द्वारा सिवनी में जिला कलेक्टर से मांगी गई थी। उस जानकारी का 2021 के बाद 2022 पूरा बीत गया, उसका क्या हुआ इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। सिवनी से कटंगी 92.10 किलोमीटर सिवनी से कटंगी का जो रास्ता है, जबकि सड़क मार्ग से अगर आप जाते हैं तो सिर्फ 40 किलोमीटर सिवनी से कटंगी होता है। सिवनी से अगर बालाघाट आप जाते हैं तो सिवनी से बालाघाट 90 किलोमीटर होता है। पर यह पता नहीं किस रास्ते से इस रेलगाड़ी को ले जाया जा रहा है सिवनी से कटंगी। जो जानकारी दी गई है रेलवे बोर्ड के सूत्रों के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया कि सिवनी से बरघाट और बरघाट से फिर ऐसा गंगेरुआ अगर ले जाना होता तो सीधे जाती, और गंगेरुआ से फिर कुरई के पास कहीं ले जाया जाएगा, कुरई के पास से फिर कटंगी। इतना लंबा रास्ता अगर बनाया जाता इसकी बजाय सिवनी से कटंगी सीधा सीधा सिर्फ 40 किलोमीटर का रास्ता था, और वो बहुत आसानी से 40 किलोमीटर ट्रैक बन जाता। अगर 40 किलोमीटर का ट्रैक बन जाता तो नागपुर से तिरोड़ी, कटंगी, सिवनी, नैनपुर होकर जबलपुर बहुत छोटा रास्ता बन जाता। पर पता नहीं हमारे जनप्रतिनिधि, सिवनी जिले के जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल चीफ इंजीनियर HP त्रिपाठी के हस्ताक्षरों से एक पत्र 1 नवंबर 2021 को सिवनी कलेक्टर को लिखा गया था, जिसमें उनके द्वारा 10-11 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी कि यहाँ पर क्या क्या उपज है, यहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर कितना ट्रैफिक हो सकता है। ये सारी जानकारी 92.10 किलोमीटर के बारे में मांगी गई थी। हमारे सिवनी जिले के जनप्रतिनिधि कितने संजीदा हैं, जनप्रतिनिधि अर्थात चूँकि बरघाट और जो ट्रैक जा रहा है वो सिवनी और बरघाट विधानसभा से होकर जा रहा है, इसलिए सिवनी के विधायक दिनेश राय, बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, दो लोग इसके लिए जवाबदेह माने जा सकते हैं। पर चूंकि मामला केंद्र का है, इसलिए बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए पूरी जवाबदेही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर आहूत होती। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इस बारे में ये जानकारी उन्हें कलेक्टर से पूछना चाहिए था कि 1 नवंबर 2021 का पत्र, 1 नवंबर 2022 भी बीत गया, दिसंबर 22 बीत गया, जनवरी 23 भी बीत गया, और फरवरी 23 भी बीतने को, अर्थात 15 महीने करीब इस बात को हो चुके, और 15 महीने में अभी तक 1 इंच भी आगे कार्रवाई नहीं हुई है। कितने संजीदा हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हम सिवनी के निवासियों ने उन्हें जो वोट दिया है, सिवनी के जिले के निवासियों ने, उस जनादेश का कितना सम्मान करते हैं इस बारे में। इतना पूरा ये रेलवे का यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और रेलवे का ट्रैक 1200-1500 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए गए हैं, एक भी पत्रकार वार्ता लेकर सांसद, विधायक या रेलवे के अधिकारियों के द्वारा सिवनी के लोगों के जो भी उत्सुकता थी, जो उनकी उनकी क्वेरीज थी, उन क्वेरीज का जवाब किसी के द्वारा नहीं दिया गया। 900 करोड़ के लगभग मौगांव से खवासा एक एलिवेटेड हाईवे बना, उस हाईवे का लोकार्पण भी कर दिया गया और सिवनी के मीडिया को नहीं बुलाया गया। कितने शर्म की बात है सिवनी के लिए, इसे वास्तव में शर्म की बात मानी जा सकती है। पता नहीं किस सोच में हैं सिवनी के जनप्रतिनिधि, इस तरीके की बात, इस तरीके के प्रश्न अगर उठाए जाते हैं तो सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हो या विधायक, जितने चारों विधायक हैं, दोनों सांसद हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके समर्थक ये एक बात कहते हैं, नकारात्मकता इससे फैल रही है। नकारात्मकता समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया कतई नहीं फैला रही, ना फैलाना चाहती। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया तो सिर्फ इस बात की जानकारी चाहती है जो जनता
जानना चाह रही है कि आखिर क्या वजह थी कि 900 करोड़ रुपए की एलिवेटेड हाईवे के लोकार्पण में वो जो उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया सिवनी के मीडिया को नहीं बुलाया गया। आखिर क्या वजह थी, आखिर क्या वजह है कि 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगता है और आज यहां पर फरवरी के अंतिम दिनों में 2023 8 साल के लगभग हो रहे हैं और अभी भी एक पत्रकार वार्ता लेकर यह नहीं बताया गया कि यहाँ काम कौन सा ठेकेदार कर रहा है, एजेंसी कौन सी है, कितने का काम हो रहा है, कब तक काम पूरा होगा। आखिर ये इसे नकारात्मकता कहें या फिर गैर जवाबदेही, दरअसल देखा जाए तो जवाबदेही के साथ सिवनी के दोनों सांसद, चारों विधायकों को जवाब देना चाहिए। दिनेश राय, इस मामले में दिनेश राय को कुछ हद तक साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने लठ पर चर्चा के दौरान रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें भी फटकार लगाई थी, पर लठ पर चर्चा जो हुई थी उसका भी लंबा समय बीत चुका है। तो हम आपको बता रहे थे, बरघाट अगर आप जाते हैं 22 किलोमीटर, कटंगी अगर आप जाते हैं तो 40 किलोमीटर, पर सिवनी से कटंगी जो रेलवे का ट्रैक बन रहा है सीधा ना बनकर 92.10 किलोमीटर, जबकि अगर सीधा सीधा अगर इसको बालाघाट से जोड़ दिया जाए तो भी सड़क मार्ग 90 किलोमीटर का ही होता है। अगर सीधा बालाघाट से भी जोड़ दिया जाता तो भी जो रेलगाड़ियाँ रायपुर से गोंदिया होकर नागपुर होते हुए उत्तर भारत को जाती है, वे गाड़ियां, रेलगाड़ियां नागपुर गोंदिया से बालाघाट, बालाघाट से सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा होते हुए जा सकती थी, एक बाईपास रास्ता बन जाता, नैनपुर होकर अभी भी जा रही है। पता नहीं सिवनी के लिए काम होता है पर सिवनी के नागरिकों से पूछा क्यों नहीं जाता, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको फिलहाल जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सिवनी से कटंगी वाले मार्ग के बारे में, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, आप पूछिए 15 महीने बीत चुके हैं, कितने कदम आगे बढ़ी है ये पूरी कवायद। बचपन में पढ़ा करते थे 2.5 दिन चले 2.5 कोस, 2.5 दिन तक चलते रहे सिर्फ 2.5 कोस ही चल पाए, रात भर चलते रहे, सवेरा बाड़ी में हुआ, पता नहीं कहाँ चलते रहे, वो घर के पीछे जो बाड़ी लगी हुई थी उस बाड़ी में ही सवेरा हुआ, अर्थात आप कहाँ गए, आप कहाँ तक निकले। सिवनी से 15 महीने पहले, सिवनी से कटंगी के 2021-22 के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत किया गया था, सर्वे हो जाना चाहिए था वित्तीय वर्ष 21-22 के बाद, 22-23 खत्म होने को और 23-24 आने को है, तो कब इसे बनाया जाएगा इस ट्रैक को, जब 1 दिसंबर 2015 का ट्रैक, स्वीकृत ट्रैक जिसके लिए पैसा आ चुका था, आज फरवरी 2023 में, 2015 में पटरियां उखड़ी, 2023 में अभी भी सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है, तो आखिर इतना विलंब क्यों। लोकसभा सक्षम मंच है, सांसद जी प्रश्न करिए, स्पष्ट प्रश्न करिए कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से को आखिर अधिकारियों ने क्या मजाक समझ रखा है, क्यों मजाक कर रहे हैं सिवनी के साथ, गोल मोल बात करने से शायद काम नहीं चलेगा, स्पष्ट अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम फिर आपको कहेंगे चीफ इंजीनियर नागपुर या चीफ इंजीनियर बिलासपुर, DRM नागपुर या ADRM नागपुर, इनका मुख्यालय सिवनी में रखवाइए, जब तक यहाँ सवारी गाड़ी नहीं चलने लगती तब तक वे यहाँ मुख्यालय बना कर रहें और देखें यहाँ तकनीकी अमला कहाँ कहाँ दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। 150 से ज़्यादा एपिसोड हमने दिखा दिए हैं, 2 या 3 बार ही तकनीकी अमला यहाँ पर नजर आया, अभी भी ठेकेदार के कारिंदे काम कर रहे हैं, बिजली का जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, रेलवे का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का एक भी कारिंदा उनके साथ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर नीचे अभी इसके नीचे जो वो आपको दिख रहा होगा, सफ़ेद और लाल धारियाँ दिख रही होंगी, इसके नीचे सफ़ेद और लाल धारियाँ बना दी गई थी, पर वे धारियों, उन धारियों को अब उसके ऊपर पुट्टी की जा रही है। आखिर किसने देखा,
एक किलोमीटर लंबा ट्रैक पर सफ़ेद लाल धारियां बना दी जाती हैं और कोई तकनीकी हमला नहीं देखता। जब बाद में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में इस बात को उठाया जाता है तब उस पर पुट्टी कराई जा रही। अगर ये बात रेखांकित नहीं की जाती तो पुट्टी भी नहीं होती, ठेकेदार अपना पैसा लेकर जा चुका होता, किसी के घर का काम नहीं। दरअसल ये जो भी काम हो रहा है ये पूरा काम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे ये काम हो रहा है। इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, ईमानदारी से जवाबदेही तय होनी चाहिए, पारदर्शिता पूरी बरतनी चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 476वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 477वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, जय हिंद।